बड़ा सताता है, जाके मेरे पीछे छिपके वो आंखें बड़ी मटकाता। तो आपने तो देख लीजिए कितना हवा चल रहा है बाहर, और ऐसे ही पूरा बादल छाए हैं, और ये मेरे घर नीम का पेड़ है, और देख लीजिए कितना ज़्यादा हवा चल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और नए साल आने का वेट कर रहे होंगे। तो नया साल आने वाला है और आपके जीवन में भी अच्छा बदलाव लाए, कुछ अच्छा हो, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो सब पूर्ण हो। मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए कि आने वाले नए साल में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और अभी मेरा न्यू चैनल है, छोटा चैनल है, तो स्टार्ट में ऐसा ही होता है कि आपके धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही तो ये मेरी ट्विंकल है, और आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब ठंडी क्या बोलूँ कि ठंडी का मतलब आज ही समझ में आया है। रात को हुई है बारिश, और बारिश की वजह से आज बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ, सुबह में भी बारिश हुई है, और इतना ज़्यादा हवा चल रहा है, बादल छाए हैं, और ठंडी तब बढ़ जाती है जब धूप भी ना हो और हवा भी चले। अगर धूप भी है और हवा चल रहा है तब भी आपको ठंडी लगेगा, तो कितनी भी ठंडी हो आप देख रहे होंगे कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हवा चल रहा है, बारिश हुई है तो लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा लग रहा है। और सुबह के बज रहे हैं 9:30, तो 9:30 हो रहे हैं, और रात में मैंने बनाया था चावल की पूड़ी, मेरा फेवरेट है। तो जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तो चावल की पूड़ी बना लेती हूँ। और तो ट्विंकल को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना बाबू, तो ट्विंकल यही करती है मेरे सर में, जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ तो निकाल के बहा देती है। मुझे तो लगता है 100 में से 80 बच्चे ऐसे ही करते हैं, पर मेरी ट्विंकल आ खुद लगा लेती है, पर आज नहीं लगाई, गिर गया। ना बेटा, ए बेटा बता दो सबको, सबसे प्यारा कौन बता दो। सबसे प्यारा कौन ट्विंकल? ए बेटा सबको बता दो, सबसे प्यारा कौन है? तो ट्विंकल को ये जो गाना है कि फूलों ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? ये बेटा इसमें देखो सबको बता दो, इसमें सबसे प्यारा कौन? सबसे प्यारा बाप रे, मम्मी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इससे कोई भी पूछता है ना कि सबसे प्यारा कौन है, तो बोलती है पापा, मेरे पापा। तो हर बच्चों का फेवरेट तो उनके पापा ही होते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, मेरे भी फेवरेट मेरे पापा थे। कितना बदमाशी करोगी बेटा, कितना बदमाशी करोगी। तो ट्विंकल के फेवरेट उसके पापा हैं, और ट्विंकल का फेवरेट गाना है सुन रहे शोदा मैया। ये गाना गाते ही ये डांस करने लगती है। कहिए तो मैं आपको थोड़ा सा इसका उदाहरण भी दिखा दूँ। ए ट्विंकल, ये वाला गाना पे डांस कर दो। सुन रही यशोदा मैया, तेरा लल्ला बड़ा सताता है, जाके मेरे पीछे छिपके वो आंखें बड़ी मटकाता। तो आपने देखा, बस ये गाना का टोन भी अगर कहीं बज जाए ना, तो ट्विंकल अगर सोई है बिस्तर में ना, तो बिस्तर में सोए सोए नाचने लगती है। ये इसका फेवरेट गाना है, और इसका फेवरेट चावल की पूड़ी है, और फेवरेट इसके पापा है। तो ये ही तीनों चीज़ मेरा भी है, ये सॉन्ग इतना कोई फेवरेट नहीं है, बट ये चावल की पूड़ी और मेरे पापा, ये दोनों मेरे ही फेवरेट है। तो सबसे प्यारे कौन है बेटा? पापा। अच्छा। तो मेरी ट्विंकल बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है, और बहुत ज़्यादा शरारती, और ठंडी की वजह। अच्छा आप रहने दो, नहीं तो कैमरा फट जाएगा, फोन का कैमरा फट जाएगा बेटा। हाँ, पता चल गया सबको, आप रहने दो। तो आपने देखा मेरी ट्विंकल कितनी ज़्यादा होशियार हो गई है,
और अपना सारा फेवरेट चीज़ भी बता दी आज ट्विंकल खुद। मैं तो बस डांस इसका डांस और ये कहती आपको ना तो विश्वास नहीं होता, पर ये जो चीज़ें हैं ना वो मैं सामने दिखा रही हूँ कि ट्विंकल को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ट्विंकल की बदमाशियाँ। और मैं बाहर का मानसून भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना ठंडी है बाहर, तो देख लीजिए कितना हवा चल रहा है बाहर और ऐसे ही पूरा बादल छाए हैं। और ये मेरे घर नीम का पेड़ है और देख लीजिए कितना ज़्यादा हवा चल रहा है, तो आपको इसके पत्तों से पता चल रहा होगा कि कितना हवा चल रहा है इस तरह से। और ये हमारी सारी सब्जियां हैं, रात को पानी आया उससे सब्जियों में तो अच्छा हो गया कि सब्जियों को पानी नहीं देना पड़ेगा और खेतों के लिए भी अच्छा हो गया। और ये हमारा हरा धनिया है जो कि पानी पा के खेत में मगन मगन हुआ है, तो ऐसे हमने उगाए थे और ये पानी बरसने की वजह से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये भिंडी के पेड़ हमारे सीजन आउट हो गया है तो सूख गए हैं, तो ये मेरे लहसुन है, टमाटर है, तो आप देख लीजिए। तो अगर पानी बरसा है ठंडी बढ़ी है तो कुछ फ़ायदे भी हुए हैं और होना भी चाहिए, मौसम में बदलाव होना चाहिए, पर ठंडक थोड़ा बढ़ गया है तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ठंडी है। ट्विंकल चलो अंदर, चलो अंदर, चलो बहुत ज़्यादा ठंडी है बेटा, अंदर चलो चलो। तो ट्विंकल बाहर आ रही है और इतना हवा चल रहा है, नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, चलो अंदर चलो अंदर, बहुत ठंडी है बेटा, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, चलो। तो ट्विंकल ट्विंकल इस तरह से पूरा रेडी रहती है हमेशा ठंडी की वजह से, और मेरा बिंदी नहीं रहने देती है। मेरी बिंदी निकाल दियो तुम, मेरा बिंदी क्यों निकाल दियो, मेरा बिंदी क्यों निकाल दियो, क्या ली हो हाथ में? ये देखिए अपने खाने पीने की चीज़ें दिन भर समय उठती रहती है। सबसे प्यारा कौन है एक बार और बता दो, एक बार और बता दो सब। तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और आपको जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगे ना तो आप गर्म पानी पीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़े तो आप गर्मा गर्म पानी पीजिए और ब्लैक टी बना कर पीजिए अदरक अदरक डाल के, और आप दूध की चाय को अवॉइड ही कर दो तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना तो दूध का चाय कफ बना लेता है जिससे आपको जुकाम भी हो जाती है और खांसी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ठंडी में ये चीज़ होती है, अगर आप ब्लैक टी पीते रहेंगे ना तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो और गर्म पानी भी आप पीजिए, गर्म पानी से अंदर की ठंडी भी जाती है, गर्माहट भी मिलता है और इसके साथ साथ शरीर भी अच्छा रहता है। गर्म पानी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप ठंडी से बचने के लिए स्वेटर साल पहन के रखिए भाई, सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।